फ्रेंड्स, पधारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट बर्फी, वो भी बिना चीनी और गुड़ डाले, यानी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 50-50 ग्राम अखरोट, काजू, बादाम और 25 ग्राम पिस्ता के छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और 100 ग्राम सूखे नारियल को भी मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। इन्हें एक बार साइड में रखना है। मैंने यहाँ खजूर लिए हैं, जिनके बीज मैंने निकाल कर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये बिना बीज के 400 ग्राम है। अब मैंने एक पैन में 1 टीस्पून घी लिया है। घी गर्म हो गया है, अब इसमें कटे हुए अखरोट, काजू, बादाम, 25 ग्राम पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, 25 ग्राम सूरजमुखी के बीज यानी सनफ्लावर सीड्स और 25 ग्राम मगज के बीज यानी मेलन सीड्स डालकर लगभग 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर सेकना है। इससे इनकी नमी निकल जाएगी, बर्फी टेस्टी भी बनेगी और लंबे समय तक खराब भी नहीं होगी। लगभग 3 मिनट हो गए हैं, अब इन्हें किसी दूसरे बर्तन में निकालना है। अब उसी पैन में नारियल डालकर लगभग 1.5 से 2 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है। कई बार नारियल गीला होता है, जिससे बर्फी जल्दी खराब हो जाती है। इस तरह से बर्फी बनाने पर बर्फी महीनों तक खराब नहीं होती है। लगभग 2 मिनट हो गए हैं, नारियल का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब इसे किसी दूसरे बर्तन में निकालना है। मैंने यहाँ एक पैन में 1 टीस्पून घी लिया है। अब इसमें खजूर डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट मिक्स करना है। इस तरह मिक्स करने से खजूर मैश हो जाएंगे। खजूर और ड्राई फ्रूट के अनगिनत फायदे हैं, अगर गिनने लगे तो गिनते ही चले जाएंगे। लगभग 2.5 से 3 मिनट हो गए हैं, खजूर एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है, यानी खजूर मैश हो गए हैं। अब इसमें तैयार ड्राई फ्रूट और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालकर लो फ्लेम पर अच्छी तरह मिक्स करना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। जितने ड्राई फ्रूट है उतना ही खजूर लेना है। इससे बर्फी परफेक्ट मीठी बनेगी और बर्फी आसानी से बन भी जाएगी। खजूर कम लेने पर ड्राई फ्रूट बिखरने लगते हैं, यानी बर्फी अच्छी नहीं बनती है। ड्राई फ्रूट मिक्स हो गए हैं, अब इसे थोड़ा ठंडा करना है। मैंने यहाँ एक जिपर वाली प्लास्टिक ली है। अब थोड़ा सा घी लेकर प्लास्टिक में लगाना है। मिश्रण को प्लास्टिक में रखना है। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने पर हाथ से एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा चपटा करना है, ताकि प्लास्टिक कवर में आराम से रख सके। सॉरी, मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई। अब जिप लॉक करनी है। अब इसे बेलन से बेलने से पहले हाथ से थोड़ा फैलाना है। इसमें हवा ना भरे, इसके लिए कोई भी पिन लेकर कवर के चारों तरफ एक एक होल करने हैं। इससे कवर के अंदर की हवा निकल जाएगी। अब बेलन से मिश्रण को एक सार करना है, ताकि बर्फी एक ही साइज की बने। इस तरह प्लास्टिक कवर में बेलने से बेलने में आसानी होगी और किनारे भी टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। अब जिप खोलकर कैंची से कवर को बीच से कट करना है और यहाँ दोनों साइड से भी कट करना है। अब कवर को निकालना है और इसको कट करना है। मैंने यहाँ पिज्ज़ा कटर लिया है, आप चाकू से भी आराम से कट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी ज़रूर बनाइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। थैंक यू।